अस्सलाम वालेकुम वहल कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे ओके मेरी आवाज़ आ रही है सबको आई एम ऑडिबल ओके अच्छा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आप में से यहाँ पर जितने बैठे हैं सबने प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है और कुछ ने तो काफ़ी जल्दी सबमिट करा दिया था उनके लिए जो है काफ़ी अच्छी बात आई है क्योंकि वो लोग अगर उनकी वेबसाइट बिल्कुल सेम है और सारी चीज़ें उन्होंने सेम यूज़ की हैं तो उनको फुल मार्क्स जो है वो मिलेंगे आई थिंक रोमैसा फातमा थी जिन्होंने सबसे पहले पहले किया था तो अगर तो उन्होंने बिल्कुल सेम बनाई है और कोड उनका रीड होगा रात में मैं चेक करूँगा सबके प्रोजेक्ट्स तो अगर तो उन्होंने सारी चीज़ें सही की हुई होंगी तो उनको पूरे मार्क्स होंगे बाकियों के भी ऐसा नहीं कि पूरे मार्क्स नहीं होंगे बट जिन्होंने रात में प्रोजेक्ट सबमिट करवाने से पहले जो है चेंजेस कर ली मतलब कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे जिनमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं और उनको जो है वो सही कर सकते हैं तो अगर तो वो लोग कर लेते हैं मतलब सेम बना लेते हैं तो वो लोग भी उनको भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो ये मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आप लोग खुद एक दफ़ा दोबारा चेक करें अपनी वेबसाइट को मैं किसी को नहीं बता रहा कि क्या मिसिंग है या क्या चेंज है खुद देखें एक दफ़ा पिक्चर्स को और अपनी वेबसाइट को जो चीज़ मिसिंग है उसको कंप्लीट कर लें मैंने किसी को जो है ये नहीं कहा कि आपने सही नहीं बनाया आपने ये चीज़ मिस की भी मैंने बस चेक अभी नहीं किया है ठीक है बस वीडियो से देखा है तो चेक करने के बाद अगर मुझे कुछ कम लगेगा तो जाहिर है उसके मार्क्स फिर वो सर फुटर बनाना लाजमी था फुटर बनाना देखें लाजमी नहीं था बट अगर आप बनाएंगे तो एक एडिशनल चीज़ है तो वो अच्छी बात है तो अगर आप रात में बना सकती हैं रात तक तो एक जो है अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि देखें ये आपकी ऊपर प्रोफेशनल वेबसाइट होगी आप इसको अपने जब पोर्टफोलियो बनाएंगी तो पोर्टफोलियो के ऊपर भी आप इसको लगा सकती हैं तो पोर्टफोलियो पर आप ऐसी वेबसाइट लगाएंगे ना जो पूरी कंप्लीट हो तो इसलिए आप रात में सबमिट कराने से पहले आप इसको कम्प्लीट कर अच्छा। इसके अलावा अब्दुल्ला ने जो है बना ली थी ठीक है तलहा तलहा ने जो है पिछले दो दिनों से आ, कोशिश कर रहे हैं तलहा बहुत जो है उन्होंने एफर्ट दिखाई हैं आज भी जो है दोपहर से वो बैठे हुए थे और हर एक टैग लगाने के बाद जो है उनका सवाल था जो कि बहुत अच्छी बात है देखिये स्टूडेंट लेवल के ऊपर ना अभी आप लोग सभी स्टूडेंट लेवल के ऊपर मतलब लर्निंग प्रोसेस में जितने क्वेश्चंस करेंगे ना उतना ज्यादा जो है आपको चीजों को समझ में आएगा और चीज़ें आसान होंगी तो आ, कल से या आई थिंक परसों से जो है तलहा और जो मेरी चैट्स हैं अगर उसको हम स्क्रॉल करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा जो है तलहा ने क्वेश्चन किए बहुत पूछा वो अच्छी बात है और जो है और मुझे भी काफी अच्छा लगा कि कम से कम पूछ रहे हैं कर रहे हैं तो मैंने भी जो है उनको गाइड किया बट अभी उनकी जो है कंप्लीट नहीं हुआ एक फॉर्म वाला पेज वगैरह रहता है तो आपने जो है उसको पूरा सबमिट करवाना है रात तक फॉर्म पेज बना लेगा कोई मसला नहीं है फॉर्म जो है फॉर्म ही बनाया था तो वहां से देख कर हेल्प लेकर आप जो है बना सकते हैं बाकी आप तीनों ने फरहाना फरतर मैसा और आप अब्दुल्ला आप अब एक दफा अपनी ना दोबारा देखिएगा जो आपकी वेबसाइट है ना उनको दोबारा देखिएगा कुछ चीजें अगर मिसिंग लग रही है आपको ठीक है होता है ना इंसान कोई चीज़ जो है रह जाती है या अगर कोई आपको लग रहा है कि टेक्स कलर मैंने चेंज करना भूल गया या मैं कहीं पर जो है कोई आ, जो मैंने होवर इफेक्ट डाला है वो सही नहीं है होवर इफेक्ट तो खैर कुछ भी डाल देते आ, होवर इफेक्ट तो जो है उसमें शो नहीं हो रहा था बट कुछ चीज़ें जो है मिसिंग है किसी की वेबसाइट में मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा है यहाँ पर खैर अच्छा मिस मारिया हमारे साथ आज वाली क्लास में नहीं है आ, मिस मारिया जो है हॉस्पिटल में एडमिट है सबसे जो है उनके लिए दुआ की दरख्वास्त है उनकी जो तबीयत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो सब लाजमी उनके लिए दुआ किएगा कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द जो है मुकम्मल एहतियाब कर दे वापस और हमारे साथ जो है वो क्लास में अच्छा मैं जो है आज की क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छा आज वाली क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अच्छा सबमिट कैसे करवाना है वो तो मैंने वॉइस से बता दिया था तो अगर किसी को सबमिशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जो है वो वॉइस में सुन ले ताकि हम फिर जो है आप लोग इजीली उसको सबमिट करवा सकें प्रोजेक्ट को ठीक है कैसे करना है गिटअप लिंक और वर्सल का लिंक दोनों आज वाली क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्सल अब ये बेसिकली वर्सल है क्या चीज़ वर्सल क्यों बना क्या चीज़ है कैसे यूज करते हैं आज वाली क्लास में इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है अब ये वर्सल क्या है देखिए वर्सल क्या था वर्सल ने देखा वर्सल ने कहा मार्केट में गिठ आया हुआ है मतलब लोग क्या करते हैं लोग आते हैं अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसको क्लाउड पर डिप्लॉय करके चले जाते हैं मतलब अपने कोड को रख लेते हैं बट अगर उनको जो है उस कोड का यू भी चाहिए हो तो वहां पर उनके लिए प्रॉब्लम होती है मतलब कि अगर उनको अपने कोर्ट को फिर डिप्लॉय करना है क्रोम के ऊपर तो उनको पैसे देने पड़ते थे पैसे देने से मुराद कि उनको होस्टें खरीदनी पड़ती थी उनको डोमेन खरीदनी पड़ती थी और उसके बाद फिर उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था और फिर उसकी मदद से वो क्या करते थे कि अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते थे तो वर्सल ने क्या आइडिया सोचा वर्सल ने कहा कि भाई मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आता हूँ जो क्या करे कि जो आपकी एप्लीकेशन को क्रोम के ऊपर डिप्लॉय करने में हेल्प करें वर्सल क्या करता है बेसिकली वर्सल कहता है और वर्सल का हम क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि तो वर्सल जो है डायरेक्ट नेक्स्ट को सपोर्ट करता है अच्छा अब वर्सल क्या कहता है वर्सल कहता है कि भाई आप क्या करो आपने कुछ भी नहीं वर्सल वर्सल के वर्सल के ऊपर डिप्लॉय ऊपर अकाउंट बनाओ अपना उसको गिठअप से कनेक्ट करो और अपना जो है कोई भी प्रोजेक्ट के उसके गिठप से लिंक करने के बाद आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट वर्सल के ऊपर डिप दे रहा है तो उसकी शर्त यह है कि आप जो नाम रखना चाह रहे हो अपनी एप्लीकेशन का नाम रखो ठीक है

ये सब लिखकर और आपने जो है गिट्ठा पर लिंग इन लगा दें और अपना जो है वहां पर अपना नाम भी लिखते हैं साइड पर ताकि आप लिखा सकें कि भाई हाँ ये देखो फुटर के अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है मैंने ये पूरी एप्लीकेशन जो है वो बनाई है अच्छा मैंने अभी यहाँ पर क्या किया है अपना एक जो है वही पुराना का फोल्डर ओपन करा है क्यों करा है इसकी वजह यह है कि इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं ताकि ये जो है हमारा डिप्लॉय करने के लिए तैयार हो जाए आज हम इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे वर्सल के ऊपर और उसको फिर चलाकर देखेंगे अच्छा अभी ग्रिड हो रहा है चलिए ग्रिड को भी रहने देते हैं सबसे पहले तो नैफ बार को मैं अनकमेंट करता यहाँ से

सिंपल मैंने यहां से क्या किया फॉर्म के जो टैग था उसको मैंने यहां पर आई थिंक मेरी आवाज चली गई थी मेरा माइक जो है वो हिल गया था खैर मैं ये कह रहा था लास्ट में हम क्या करते हैं हम फुटर को भी कंट्रोल स्लैश से मैं कमेंट करूंगा और लास्ट में मैं यहाँ पर फुटर को क्या करता हूं फुटर को भी टेक स्पीकर अच्छा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या मेरी आवाज सही आ रही है ये स्पीकर का कह रहा है सेम है ठीक हमारा स्पीकर भी सही काम कर रहा है भाई तो क्या हो जाए गया गया। अच्छा, है, तो मैंने क्या किया मैंने लास्ट में जो है यहाँ पर अपने को कॉल करा लिया मतलब करवा लिया तो अब मेरी जो एप्लीकेशन है वो सही हो गई होगी मुझे और इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं अभी फिलहाल के लिए हम लेआउट को देख लेते हैं एक दफा लेआउट से हम ये वाला कोड हटा लेते हैं इसका जरूरत नहीं जो एक्स्ट्रा कोड होता है ना उसको हम हटा लेते हैं ताकि जब हम डिप्लॉय कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन को वर्सल के ऊपर तो कोई इस तरह के हमें एरर देखने को नहीं मिले बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता बस ये दो पेज हम लोगों को देखना है ठीक है ये कमेंट है तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं कमेंट हुआ हुआ कोड वैसे ही कंपाइलर जो है वो रीड नहीं करता तो अब मैं सिंपल इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ खोल के देखने की जरूरत नहीं है अभी जिस तरह का भी होगा हमारी एप्लीकेशन वो उस तरह हमें शो हो जाएगी अच्छा अब मैं क्या करता हूँ अब मैं आ जाता हूँ क्रोम के ऊपर आज का जो हमारा काम है ना वो थोड़ा सा समझने का है कंट्रोल शिफ्ट टी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और गिटहब को मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ पर मैं आ गया और मैंने अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूँ अच्छा दो मिनट के लिए मैं क्या कर रहा हूं मैं स्क्रीन को जो है यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूं मैं अपना जो नॉर्मल अकाउंट है वो ओपन कर लेता हूँ आई थिंक मेरा पुराना अकाउंट यहां पर खुला हुआ है उसके अंदर कुछ डिटेल्स हैं वो चेंज अकाउंट ओके तो मेरा जो मेन अकाउंट है वो यहां पर खुल चुका है सॉरी मेन अकाउंट कह रहा हूँ जो मेरा सेकंड अकाउंट है हाफिज नबील वाला यहाँ पर ओपन हो गया मैं वापस अपनी जो स्क्रीन है वो रिज्यूम कर देता हूँ यहाँ से और अब जो है मेरा नॉर्मल अकाउंट आ गया अच्छा मैं आ जाता हूँ रेपोजिट्री के अंदर रेपोजिट्री में आने के बाद मैं एक न्यू रेपोजिट्री बना लेता हूँ जल्दी से रेपोजिट्री का नाम हम यहाँ पर रख देते हैं रेपोजिट्री का नाम हमारी एप्लीकेशन किस से रिलेटेड है सिंपल वेबसाइट है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल वेबसाइट अभी कुछ भी नहीं कर रहा मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ सिंपल वेबसाइट ठीक है सिंपल वेबसाइट मैंने यहाँ पर लिख दिया उसके बाद मैं सारी चीजें सही पब्लिक रखूंगा और कुछ भी करने की मुझे अभी जरूरत नहीं है एट डॉट रीड रीडमी फाइल ऑटोमेटिकली आ जाती है जब हम नेक्सेस की एप्लीकेशन करते हैं तो अभी फिलहाल और कुछ करने की जरूरत नहीं मैंने सिंपल एक रेपोज बनाया मैं यहाँ पर आ जाऊंगा अपलोड एंड एक्सिस्टिंग फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा अब ये करना तो आप सबको आता है सब जो है ठप के चीते हैं यहाँ पर बैठे हुए खैर बैचवन में आऊंगा हमारी स्टाइलिंग वाली ऐप थी माई ऐप एस और पब्लिक क्योंकि फोल्डर है तो मैं इनको से उठाकर डायरेक्ट ही एंड ड्रॉप कर दूंगा और इसके अलावा मैं कंट्रोल ए करके सारी फाइल्स को कर लूंगा क्योंकि होता यह है कि जब हम कंट्रोल ए करते हैं ना तो ये देखें यहाँ पर आपको कहीं पर भी एस और पब्लिक का फोल्डर नहीं मिलेगा तो इसलिए उसको अलग अलग करने से अच्छा मैंने सिंपल उन दो फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और बाकी जितनी भी फाइल्स थी उनको मैंने क्या किया है उनको सिंपली मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है ठीक है कंट्रोल ए करके मैंने डायरेक्ट ओपन किया और वो अपलोड हो गई सिंपल आकर मैं चेक करूंगा सारी फाइल्स हो गई होगी सारी फाइल्स तो मैं नीचे आके कमेंट चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा मेरी जो फाइल है मतलब गिटअप की रेपो है वो बन रही है क्या रहा है कुछ टाइम लगेगा हमारी जो रेपोजिटरी वो बनकर तैयार हो चुकी है ठीक है एंड्रो रीडमी की फाइल भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है और हमारा जो सारा कोड है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलब हमारा जो कोड है वो सारा का सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है अब आ जाते हैं वर्सल यहां से थोड़ा सा गौर से चीजों को समझिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्सल वर्सल पे मैं आ जाता हूँ और वर्सल पे जो पहली एप्लीकेशन आ रही है ओपन कर लूंगा ठीक वर्सल वर्सल तो अच्छा, तो है कुछ अकाउंट बनाने का बोलेगा आपने सिंपल क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है और यहाँ पर जो है आप लोग अकाउंट बन जाएगा अच्छा ठीक है वर्सल पर जो है हमारा कनेक्ट है वो। अच्छा यहाँ पर मैं आऊंगा आप लोगों के पास एक बटन आ रहा है जब आप लोग अपना अकाउंट बना लेंगे जैसे मेरा यहाँ पर जो है अकाउंट अगर मैं फुल पीछे आ जाता हूँ ठीक है मैं खाली आता हूँ वर्स डॉट कॉम के ऊपर मैं भी किसी के ऊपर भी नहीं आता मैं से पाथ देखें चेंज कर रहा हूं मैं आ रहा हूँ वर्सल डॉट कॉम के ऊपर अच्छा वर्सल डॉट कॉम ऑटोमेटिकली हमारा जो है इस तरह खुल रहा है क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो बना हुआ है तो मैंने यहाँ पर क्या किया मेरा मैंने जब अकाउंट बनाया तो मैं इस तरह इसके ऊपर आ गया आप लोगों के बाद भी सेम इसी तरह का आ रहा होगा आप लोगों ने सिंपल क्या करना है एड न्यू के ऊपर क्लिक करना है एड न्यू पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट में आ जाना है ठीक है एड न्यू के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे चीजें पूछेगा मतलब आपसे जो है वो कहेगा कि आपको क्या चीज करनी है अभी मैंने क्या किया सिंपल मैंने उसको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरा ये गिठअप से कनेक्टेड है अब आप लोग भी जब अपना अकाउंट बना रहे होंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको गिठअप से जो है अपना कंटिन्यू करना है तो सब पहला आप लोगों ने काम करना है गिठप से कंटिन्यू करने का ठीक है मेरे पास जितनी अभी फिलहाल बनी हुई है वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही है तो मैं क्या करूंगा मैंने अभी जो सिंपल वेबसाइट वाला कोड इम्पोर्ट किसके ऊपर गिठअप पे डिप्लॉय किया था मैं वहां से सिंपल इसको वर्सल के ऊपर इंपोर्ट कर लूंगा वर्सेल्फ इंपोर्ट करने के बाद आप ये चीजें समझेगा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा ठीक है यहाँ से आपका वो नाम पूछ रहा है कि आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है अगर मैं यहाँ पर अभी नबील करूंगा ना तो वो नबील भी हो जाएगा ठीक है लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मेरा जो नाम है वो सिंपल वेबसाइट ही रहे तो मैंने यहाँ पर जो है अपना प्रोजेक्ट का नाम सिंपल वेबसाइट रख दिया अब मैं नीचे आ जाता हूँ ठीक है वो मुझसे क्या पूछ रहा है फ्रेमवर्क कौन सा यूज कर रहा है आप तो मैं फ्रेमवर्क नेक्सियस यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और नेक्सियस रख दिया उसके बाद पूछ रहा है रूट डायरेक्टरी कहाँ पर है तो हमारी रूट डायरेक्टरी मेन उसके अंदर ही पड़ी हुई है तो हमने सिंपल मेन उस पर रहने दिया उसके बाद मेन चीज यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग्स के ऊपर अब जिसने रेंडरिंग थ्री वाली क्लास देखी है उसको मेरी बात अब जो मैं कहने वाला हूँ वो समझ में आएगी मैंने यहाँ से इसको ऑन कर दिया और मैं नीचे से इसको भी ऑन कर देता हूँ पहली बात देखिए भाई यहाँ पर हमने समझा था जब हम रेंडरिंग थ्योरी पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था क्लाइंट साइड रेंडरिंग का ठीक है नहीं हमने समझा था एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास क्या क्या, -क्या चीजें थी रेंडरिंग थ्योरी के अंदर एस एस जी सर्वर साइड सर्वर साइड जनरेशन और एक और हमारे पास था क्लाइंट साइड जनरेशन अच्छा हमने समझा था कि भाई जब हम स्टैटिक साइट जनरेशन करवाते हैं जिसको हम कहते हैं एस एस जी सही स्टैटिक साइट जनरेशन

वो बहुत तेज हो जाती है तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई आपने क्या बिल्ड कमांड चला दी है अपनी application में या नहीं तो अभी हम लोगों ने जो है बिल्ड की कमांड नहीं चलाई आप लोगों के सामने हमने सिंपल आपके बन किया तो मैंने यहाँ से simple click कर लिया अब क्या करेगा वर्सल ऑटोमेटिकली इस कमांड को चला देगा उसके बाद एक और हमसे सवाल कर रहा है कि भाई आप जो है कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है सिंपल कह दिया कि नेक्स्ट डिफॉल्ट के अंदर है तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसको ऑन कर लिया कि हम नेक्सियस डिफॉल्ट के अंदर है उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह आप करवानी है आपने तो हमने जो है अभी कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करवानी हमारे नोट मॉड्यूल्स इंस्टॉल है तो मैंने अभी इसको कुछ भी नहीं किया दी कमांड इज यूज टू इंस्टॉल योर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज इफ यू नीड टू इंस्टॉल डिपेंडेंसीट दिस फील्ड एंड लीव विम्पिटी ठीक है वो कह रहा है कि अगर आपको कुछ यूज करना है जैसे एनपीएम बिल्डिंग कमांड चलानी है कुछ चलाना है तो ठीक है वरना आप नहीं करो कुछ भी आप जो है यूज़ नहीं करो कोई मसला नहीं है ठीक है लेकिन अभी हम लोगों को इस तरह का कुछ करना नहीं हमारा सिंपल रा प्रोजेक्ट है डॉट ई एन वी की फाइल शायद आप लोगों ने कहीं पर सुना हो ये क्या होता है बेसिकली जब हम एपीआई पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हमारे पास इन्वायरमेंट वेरियबल्स आते हैं जिसके अंदर हम अपने एपीआई कीज को स्टोर करवाते हैं अभी फिलहाल के लिए इसको आप लोग इग्नोर कर दिएगा और इसको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है और सिंपल आकर डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर दिएगा अच्छा अब जब आप डिप्लॉय करेंगे तो आपका ये ये जो है है कुछ कुछ टाइम लेगा और यहां पर आ जाते हैं अब अब डिप्लॉयमेंट हो रही इसके इसके साथ न, कुछ इसके साथ ना आप लोगों को दुआएं भी करनी पड़ती हैं कभी कभी जो है ना इसको दुआओं की जरूरत होती है हमेशा जब भी आप करें बिस्मिल्लाह पढ़ के करें क्योंकि एरर्स जब इसके आते हैं ना तो बहुत खतरनाक एरर्स होते हैं और उसको सॉल्व करने में फिर जो है आप सर हो जाते रह जाते हैं और काफी टाइम लगने के बाद वो फिर सॉल्व होते हैं तो इसको जो है कुछ उम्मीदें भी चाहिए होती हैं इसको के भाई हो जाए हो जाए हो जाए वो वाली की एक फीलिंग आती है ना कि अल्लाह प्लीज हो जाए हो जाए तो इस तरह की फीलिंग्स भी इसको चाहिए होती है अपने साथ और मैं बता रहा हूं रियल में ऐसा आप लोगों को फेस करने क्योंकि तो एक एरर अगर आप लोगों को फेस करने को आ गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ठीक है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई आपका क्या क्या हो रहा है वैसे अगर एरर आ भी जाए तो घबराना नहीं है एरर को पहले पढ़ना है ठीक है एरर को पढ़ना है कि क्या 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 रहा है अलहमद हमारा कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया और कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ हमें यहाँ पर मिल गया जो कि सबसे हमारी अच्छी बात है और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह दिख रही है खैर हम आ जाते हैं कंटिन्यू डैशबोर्ड के ऊपर और हमसे अब जो है ये डोमेन वगैरह का पूछेगा हमें कुछ डोमेन नहीं करनी मेरे पास आया था एरर हाँ एरर को जो है वो सॉल्व करना आना चाहिए एरर आते हैं ऐसा नहीं है एरर बहुत ज्यादा आपको फेस करने को मिलेंगे एरर आते हैं बट उम्मीद ये रखनी चाहिए कि एरर नहीं है और जो है कोर्ट के अंदर से जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उसको हटा देनी चाहिए कभी कभी जो है आप लोगों के एरर जो आते हैं वो ऐसे एरर होते हैं कि नजर भी नहीं आता कि एरर है क्या बट वो आपको रेड लाइन दिखाता है ठीक है और जब वो रेड लाइन दिखाता है तो उसका मतलब ये होता है जो जो है काफी टाइम बाद मुझे भी जाकर समझ में आया था और मैं काफी अपना सर खजाने के बाद मुझे पता चला था तीन तीन दिन मैंने इसके ऊपर लगाए थे जब मैं इसको जो है स्टडी करा था स्टार्ट में तो उस टाइम पर मुझे जो है चीजों का पता चला कि भाई ये होता ये है कि जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लाइन वाला कोड लिखा हुआ होता है तो फिर जो है ये आपको इस तरह के एरर देता है जो शो नहीं होते फिर अब तो आप लोगों के पास अपडेट आ चुका है अब तो आप लोग अपडेटेड दौर में जी रहे हैं अब तो जो है आप लोग ये जो चीजें सीख रहे हैं ये काफी जो है आप लोगों का फायदा है फायदे वाली बात है कि आप इस टाइम पर चीजों को सीख रहे हैं अब तो जो है अपडेट्स आ चुकी हैं अब तो वो बता भी देता है कि किस फाइल के अंदर कौन सी लाइन में आपने जो है एक्स्ट्रा लिखी हुई है तो आप वहां से उस लाइन को हटा दो जाकर तो हम फिर क्या करते हैं सिंपल उस लाइन में जाकर हटा देते हैं उस कोड को ठीक है तो एक्स्ट्रा कोड जो आपने लिखा हुआ जैसे आपने किसी चीज को इम्पोर्ट करवा लिया बट यूज नहीं किया हुआ तो वो एरर दे देता है तो ऐसी चीजों को जो है आपको हटाना है अपनी एप्लीकेशन बनाते हुए ऐसी चीजों को अवॉइड करना है जो यूज नहीं हो रही जैसे हम इंपोर्ट करवाते हैं तो वो थोड़ा सा लाइट होकर खावा होता है ना और उसके ऊपर हम होवर करते हैं तो वो कहता तो है कि दिस इज नॉट इस तरह का कुछ एरर कहता है कि आपने इसको इंपोर्ट तो कर लिया बट यूज नहीं किया ठीक है इस तरह का एरर आता है तो जो उस तरह की लाइन्स होती है ना उसको आप लोगों ने हटा देना है। अब देखिए हमें जो है ये बता रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लाई हो चुकी है और हमारी जो डोमेन है वो ये रही हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या सेट हुआ है सिंपल वेबसाइट ग्रे डॉट वर्सल ऐप अब मैं इसको कहीं पर भी जाकर जो है ओपन करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी देखें अब अगर मैं अबाउट वाले पेज पर आता हूं तो देखें दिस इज अबाउट पेज हमने लिखा था और एक चीज नोटिस किएगा एक चीज नोटिस किएगा इसकी स्पीड देखें ये देखें स्पीड कितनी ज्यादा तेज है यही वजह है हम नेक्स्ट जियर्स यूज कर रहे हैं कोई लोडिंग नहीं कोई कुछ नहीं क्यों ऐसा हो रहा है स्टैटिक पेजेस ये सब कुछ स्टैटिक पेजेस की मदद से हो रहा है ठीक है लॉग के ऊपर अभी हमने कोई काम इतना किया नहीं सिंपल हमने ये तीन चीजें रखी थी तो ये तीन चीजें हमारी आ रही है आप लोग लो व्हील्स की वेबसाइट को इस तरह व्हील्स का जो क्लोन आप लोगों को मैंने दिया था उसका आप लोग इस तरह डिप्लॉय करेंगे वर्सल के ऊपर और फिर आप लोग उसका जो ये वाला लिंक है जो यूआरएल है इसको आप लोग अपने फॉर्म पर सबमिट कराएंगे अच्छा अब मिसाल के तौर पे आपका एक कंप्यूटर नहीं है आप किसी रिलेटिव से घर या दोस्त से बैठे हुए अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए अपने कॉलेज में बैठे हैं और आप जो है होता है ना कि भाई मैंने वेबसाइट बनाई थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा दिखाता दोस्तों में बैठा हूँ मैं तो थोड़ा सा जो है वो दिखाता हूँ तो क्या कर रहे हैं आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर अपने यू आर एल को लिखना है जैसे मैं यहाँ तो मैं एक दफा ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं क्या करता हूँ इनकॉग्निटो में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल वेबसाइट अच्छा वो कैच है तो वही यूज कर रहा है ना सिंपल वेबसाइट पूरा यू आर एल लिखता हूँ मैं डॉट फिर हमारे पास डॉट नहीं पहले ग्रे भी है हमारा तो ग्रे भी याद रखना है डॉट वर्सल ऐप वर्सल डॉट ऐप ठीक है जैसे मैं इसके ऊपर आके सर्च करूंगा मेरे पास जो है ये ओपन हो जाएगा अच्छा यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन के अंदर डोमेन भी ऐड कर सकते हैं अब जैसे हमारी कोडिएटिव चल रही है तो आप अगर देखें तो कोडिएटिव डॉट कॉम है ये देखिए हमने डॉट कॉम वाली डोमेन परचेज की हुई है जिसको हम पे कर मैं अब ये देखिए कोडिएटिव हमारी किसके ऊपर पड़ी हुई है कोडिएटिव हमने अभी देखा वर्सल के ऊपर ही हमारे यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो पड़ी हुई थी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें कोडिएटिव के हमारे पास यहीं से हमने डायरेक्ट डोमेन की भी है और यहाँ से ही हमारी कोडिएटिव की जो वेबसाइट है वो चल रही है तो वर्सल हमें क्या फायदा देता है वर्सल कहता है कि भाई अगर आपको अपनी वेबसाइट डोमेन ऐड करनी है तो आप यहाँ से इसको डोमिनेट कर सकते तो हो देखिए डोमेस का ऑप्शन आ रहा है अभी हम इतना डिटेल में जाते नहीं है ये देखिए हमारी जैसे वेबसाइट है हम यहाँ पर जो है डोमेन डालेंगे जो भी हमने डोमेन परचेज किया है आप डोमेन कैसे परचेस करते हैं हमारे पास बहुत सारी जो है एप्लीकेशन है जैसे गोडाडी है गुड आईडी से हम जो है क्या कर सकते हैं डोमेन परचेस कर सकते हैं जैसे अगर हम इसके ऊपर चेक जाके चेक भी कर लें कि कौन सी हमारे पास जो है इस टाइम पर डोमेन पड़ी हुई है देखिए चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत नोहा हो जाए इसको डिटेल में हम आगे जाकर जब हम बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे होंगे ना तो हम देखेंगे कि भाई बल्कि हम नहीं देखेंगे आप लोगों का काम होगा फिर के आप लोगों को कैसे करना है तो चीजों को पढ़ लें जैसे अभी फिलहाल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ए एजेंट्स ठीक है ए एजेंट्स अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और चेक करता हूँ कि भाई हमारी ये डोमेन पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई ए आई एजेंट्स की ओके okay, तो ए आई एजेंट्स डॉट कॉम की जो डोमेन है वो यहाँ पर हमारे पास फाइव थाउजेंड फाइव फाइव थाउजेंड फिफ्टी डॉलर की पड़ी हुई है पर यार उसको हमें पे करने होंगे अच्छा ये रुपीज में बता रहा है अच्छा हम यहाँ पर जो है इसके अंदर किस्तों इस में भी खरीद सकते हैं इट इजी टू रिमेबर ए आई एजेंट डॉट कॉम अगर हम लोग जो है ये देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉट कॉम वाली है हमारे पास हम यहाँ पर जो है फिल्टर्स के अंदर आके फिल्टर्स भी लगा सकते हैं फेवरेट्स हमारे पास आ रहा है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी डोमेन को परचेस कर सकते हैं जैसे अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ा सा तो मेरे पास और भी चीजें आ रही हैं ये तो खैर मैंने बहुत एक यूनिक नाम रख दिया जो बहुत महंगा आ रहा होगा आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत महंगा आ रहा है अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर कोडिएटिव लिख देते हैं ठीक है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोडिएटिव या कोई भी नाम सजेस्ट करें अभी मेरे माइंड में कोई नाम नहीं आ रहा मैं यहाँ पर अपने उसका लिख देता हूँ नबील लिख देता हूँ हमने यहाँ पर लिख दिया नबील तो मेरे पास देखिए यहाँ पर नबील के नाम से काफी सारे डोमेन्स आ रही हैं अगर मैं इसको सर्च करूँ तो मेरे पास जो है ये देखें काफी सारे डोमेन्स आ रही हैं मेरे पास जो है नबील पीके डॉट कॉम मुझे पंद्रह फिफ्टी uh, टू रुपए की मिल रही है ठीक है देखिए कितनी सस्ती चीजें हैं और डोमेन एक ऑलरेडी टेकन की हुई है अगर मैं इसे सेल करना चाहूँ नबील डॉट कॉम वाली डोमेन तो मुझे कह रहा है कि आप थर्टी फोर अच्छा इसमें एक और ऑप्शन होता है कि अगर आप एक थर्टी फोर डोमेन मतलब अच्छा मैंने समझा आप लोग तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो डोमेन का पता होगा आप लोगों को डोमेन का पता है बाकी किसी और को किसी और कंफ्यूजन डोमेन क्या होती है क्योंकि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो सभी कंप्यूटर साइंस के हैं चला आप भी कंप्यूटर साइंस के चले कोई बात नहीं अगर नहीं पता डोमेन क्या होती है बेसिकली डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है जैसे यूट्यूब डॉट कॉम है यूट्यूब डॉट कॉम आपका डोमेन है जैसे जेमिनाई है जेमिनाई हमारे पास क्या है जेमिनाई डोमेन है नाम है वेबसाइट का ठीक है तो उसको कहते हैं डोमेन जैसे गूगल डॉट कॉम है तो गूगल हमारे पास क्या है गूगल डोमेन है जैसे गो डैडी है तो गो डैडी क्या है एक डोमेन का नाम है वेबसाइट का जो नाम होता है ना उसको डोमेन कहते हैं ठीक है वेबसाइट का जो नाम होता है उसको डोमेन कहते हैं अच्छा उसके अलावा हमारे पास जो है नबील डॉट क्लब की जितने की मिल रही है तो यहाँ से आकर आप सर्च कर सकते हैं जो भी एप्लीकेशन आपने की तो इस वजह से आप लोग क्या करते हैं कि आप के पास दो ऑप्शन होते हैं या तो आप जो है क्या करो कि आप उसको ईयरली के हिसाब से पैसे पे कर लो मंथली के हिसाब से पैसे पे कर लो या आप एक साथ पूरी खरीद लो ठीक है आप मतलब इंस्टॉलमेंट पे भी खरीद सकते हो और हमने तो जो है हमारे पास और भी एक नहीं है हमारे पास बहुत सारे होस्टिंग हौ, है हमारे पास होस्टिंग जो है हमारे पास क्या होती है अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट आता है होस्टिंग का होस्टिंग का कॉन्सेप्ट पता है होस्टिंग का कॉन्सेप्ट पता है अच्छा आप में से हो सकता है एक एक या दो स्टूडेंट को होस्टिंग का कांसेप्ट पता हो तो होस्टिंग का समझते हैं होस्टिंग वट खुद बता रहे होस्ट अब आप लोगों ने देखा होगा होस्ट का नाम तो सबने सुना होगा कि प्रोग्राम को जो पूरा चलाता है जो उसके अंदर कंपेयरिंग वगैरह करता है वो प्रोग्राम होस्ट कर रहा है ठीक है तो होस्टिंग जो वर्ड आया होस्टिंग वर्ड यहीं से आया कि जो भी एप्लीकेशन या जो भी थर्ड पार्टी आपकी एप्लीकेशन को होस्ट कर रही है उसको कहते हैं होस्टिंग जैसे वर्सल हमें फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है होस्टिंग मतलब कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आप हमारे थर्ड पार्टी ऐप है हमारे वर्सल को यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दो किसके ऊपर क्रोम के ऊपर अब समझे इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें क्रोम क्या है क्रोम पूरा एक प्रोग्राम है उसके अंदर का जो कॉन्टेंट है वो हमारी एप्लीकेशन है और उसको जो होस्ट कर रहा है वो वर्सल है ठीक है जो कंपेयरिंग कर रहा है वो वर्सल है जैसे मिसाल के तौर पे हमारे एक इवेंट होता है या कोई प्रोग्राम होता है आप सबने देखा होगा रमजान रात तो में इतने सारे प्रोग्राम जाते हैं कोई भी प्रोग्राम जीतो, जीतो पाकिस्तान जीतो पाकिस्तान आप लोग ने कभी देखा होगा जो प्रोग्राम पूरा चल रहा है जीतो पाकिस्तान क्या है क्रोम जो उसके अंदर कॉन्टेंट गेम्स वगैरह खेल खिलाते हैं जो भी होता है वो क्या है वो हम आपकी एप्लीकेशन है वो आपका कॉन्टेंट तो है और जो उसको कंपेयर कर रहा होता है जो होस्ट कर रहा होता है वो वर्सल है ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का कि होस्टिंग कहता है होस्टिंग आपकी पूरी एप्लीकेशन को क्रोम पे डिप्लॉय करता है और जब तक वो डिप्लॉय रहती है उसको होस्ट करता रहता है उसको चलाता रहता है उसको कंपेयर करता रहता है जो टास्क आते हैं वो उसको उस टाइप से लेकर आता रहता है तो ये काम होता है होस्टिंग का ठीक है आज की क्लास में हमने तीन से चार चीजें सीखी थ्योरी में अगर सबसे पहले बात करें हमने थ्योरी थोड़ी सी वर्सल की थ्योरी देखी उसके बाद हमने समझा डोमेन को उसके बाद हमने समझा होस्टिंग को ये तीन चीजें हमने समझी डोमेन होस्टिंग तो लाजमी पता होनी चाहिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पता होगा आप लोगों को आप लोग जो है काफी टाइम से होंगे बट कोई बात नहीं अगर नहीं पता था ठीक है तो डोमेन और होस्टिंग बेसिकली क्या होती है डोमेन और होस्टिंग आप लोगों की हमने डिस्कस किया डोमेन सिंपल आप की एप्लीकेशन एप्लीकेशन का नाम होस्टिंग वो जो पूरे के पूरे के को होस्ट करती है ठीक है ये दो हैं डोमेन और होस्टिंग के अच्छा अब मुझे ये बताएं वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करना आ गया सबको इजिली आप डिप्लॉय कर लेंगे सिंपल करना कुछ नहीं है रेपोजिट्री बनानी है रेपोजिट्री बनाने के बाद आप लोग ने आ जाना है वर्सल के ऊपर सिंपल न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने जाना है अपनी इम्पोर्ट करनी, करनी है और अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देना है जो फॉर्म होगा फॉर्म का जो लिंक होगा वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगा जी हो जाएगा मैं जो है आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगा और इसके साथ साथ आप लोगों ने फिर क्या करना है उसको सबमिट कराना है अच्छा एक और चीज अब आप लोग ने सीख लिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट की वेबसाइट थी ना सॉरी ये ये जो पार्क की वेबसाइट थी, <coughs> ये की थी ये मैंने आप लोगों को दी क्यों देखिये अगर मैं आपको देता पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट मैं कहता आप लोग अपने पोर्टफोलियो बना ले आप लोगों ने क्या करना था सिंपल जाना था यूट्यूब के ऊपर और लिखना था हाउ टू मेक पोर्टफोलियो इन नेक्स्ट इन फॉर बिगनर्स लिख के एंटर करना था जो पहली वीडियो आती वो उठाते उससे कोड को जो वो करता उसे कॉपी करते बिना सोचे समझे कॉपी किया और आप लोगों ने प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दिया अगर मैं आप लोगों को ऐसा कोई प्रोजेक्ट देता तो ऐसा करते आप लोग हंड्रेड परसेंट पता अगर अभी कोई कहेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं करते मुझे पता ऐसा ही करना था बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो खुद अपना एक अपने हाथ से कोड करते और जो है वो अगर मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो देता इस वजह से मैंने जो है चुनकर ऐसी वेबसाइट निकाली जिसका जो है ना ही कोर्ट कोई यूट्यूब पर मौजूद था ना ही आप लोगों को कोई वर्सल पे कोई चीज ऐसी तो कोई चीज मिलती ना ही आपको किसी और रिसोर्स का कोड मिलता हाँ अगर आप एआई का यूज करके आप कोड लिखवा रहे हैं तो वो अच्छी बात है एआई का यूज करके आप कोड लिखवाएं क्योंकि कोड लिखवाना बात नहीं कोड समझ में आना चाहिए आप कोड लिखवा लेके लिखवा लेंगे लेकिन पता ही नहीं है कि उसको हम लोगों को लिखना कहाँ पर है हमें कहाँ पर जो है सो करना है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से मैंने आप लोगों को पाकफीज की जो ये वेबसाइट दी है अब आपने जब इसको बनाया आपने सारा कोड अपने हाथ से लिखा सबने ठीक है सारा कोड अपने हाथ से लिखा और जिसने नहीं लिखा चीज एआई से लिखवाई है तो वो चेक करते हुए वैसे ही पता चल जाएगा तो वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है अच्छी बात है अगर लिखवाई है तो अच्छा अब आप लोगों ने ये कर लिया तो आप लोगों की बेसिक जो है वो क्लियर हो गई अब आप लोगों को नेक्स्ट डेज का पता चल गया कि कॉम्पोनेट्स राउट्स कनेक्ट कैसे करना है इमेजेस कैसे लगानी है मार्जिन पैडिंग सब आप लोगों ने दे दिया अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेगा ना वो बहुत खतरनाक होगा खतरनाक से मुराद कि उसके अंदर आपको एक प्रोफेशनल तरीके से दिया जाएगा जिसके अंदर आप लोगों को शर्ट सीन भी यूज करना होगा उसके अंदर आप लोगों को जितनी चीजें आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी और सी के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे एनिमेशन होवर इफेक्ट सब कुछ होगा ठीक है लोगोस आपके जो है आइकन वगैरह सब आएंगे

नेक्स्ट वीक हम लोग एक पूरे फिग्मा के टेम्पलेट को फिग्मा के डिजाइन को ट्रांसलेट करेंगे नेक्स्ट के अंदर अंदर बिल्कुल जीरो से और और उसके हम लोग जितने भी हैं उनका सबका यूज करेंगे ठीक है अभी तक की ये हमारी जो है आगे की आउटलाइन है कोर्स की बट बीच में अगर मुझे लगा कि आप लोगों का जो जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है शर्ट को इम्प्लीमेंट करने में या बाकी चीजों को इम्प्लीमेंट करने में तो हम चीजों को थोड़ा सा चेंज भी कर लेंगे ठीक है तो आज वाली क्लास जो है हमारी यहीं पर एंड होती है एक मिनट से कम का टाइम रह गया एक मिनट रह गया क्लास खत्म होने में तो अब आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने जो पार्क फील्स की वेबसाइट है उसको सब ने एक दफ़ा दोबारा चेक करना है कि बिल्कुल सही हमने बनाई हुई है कोई चीज़ मिस तो नहीं की अगर कोई चीज मिस की हुई हो तो उसको ऐड कर दिएगा ठीक है और उसके बाद आप लोगों ने उसको वर्सल पे डिप्लॉय करना है जब तक सबमिशन लिंक भी आ जाएगा सबमिशन लिंक जब आएगा उसके अंदर आप लोगों को वर्सल का लिंक और गिठप का दोनों का लिंक सबमिट करना अच्छा गिठप का लिंक कैसे सबमिट करेंगे जैसे रेपोजिट्री है तो ये रेपोजिटरी का लिंक सबमिट करना है और आपका जो प्रोजेक्ट है मतलब जो ये रेपोजिटरी वो पब्लिक होनी चाहिए ऐसा नहीं हो कि जो है आप लोगों का प्राइवेट रेपोजिटरी और उसका लिंक भेजना तो वो मेरे पास खुलेगी कैसे तो ये काम नहीं करना ठीक है तो इनशाला आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में और जब तक आप लोग लाजमी शेट की प्रैक्टिस कर लेगा ठीक है इनशाला वाली क्लास में मिलनी अब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ याद रखिएगा अल्लाह हाफि और कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ठीक है मजा आएगा फिमा पढ़ के तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह तब जब तक प्रैक्टिस करें ठीक है अल्लाह हाफि